अच्छा, क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, ये डायग्राम हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये डायग्राम में कहा गया है कि एसी जो है एई के इक्वल है। जो एसी हमारी साइड है, ये साइड एसी और एई, ये क्या है, इक्वल हैं। और कहा जा रहा है एबी और एडी इक्वल हैं। ये एबी है और ए डी कहाँ है, ये दोनों भी इक्वल हैं। और कहा जा रहा है एंगल बी ए डी ये एंगल और ई ए सी ये एंगल दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इतनी चीज़ें हमें क्वेश्चन में दिया है। प्रूव करना है कि जो बी सी है, जो बी सी है वो डी के इक्वल होगा। तो सिंपल सी बात है कि हमें ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तभी वो प्रूव हो जाएगा। क्योंकि बी सी किस ट्रायंगल में है, ए बी सी में, और ई सी क्या है, ए सी ई में। तो यही दोनों ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा। और देखते हैं कैसे हल होगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध करना है हमें। यह दिया है, नोट कर लेते हैं। क्या गिवन है, ए सी इज इक्वल टू ए ई दिया है, और दिया है ए बी इज इक्वल टू ए डी दिया गया है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी ए में गिवन है। सिद्ध क्या करना है वो नोट कर लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, देखते हैं कि बी सी इक्वल टू डी ई ए हमें प्रूव करना है। तो अब देखना है बी सी और डी ई किस ट्राइंगल में आती, वही ट्राइंगल लेंगे। बी सी आ रहा है हमारा ए बी सी में, तो यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति में हम वही लेते हैं जो प्रूव करना होता है। तो ट्राइंगल ए बी सी में हमारा क्या आ गया, बी सी आ गई, और जो डी है, डी क्या है, यहाँ डी ई लाना है, ये डी ई। तो डी ई किस में आ रही, ए डी ई में, यही चीज तो लेंगे। ट्राइंगल ए डी ई में, अब बच्चों हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, और ए डी ई। तो अब दोनों ट्राइंगलों में देखिए ध्यान से जरा, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है और दूसरा है ए डी सी, दोनों ट्राइंगलों में ये सेम मिल गई। ए बी सी में हमें क्या मिल गया, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये हमें क्या था, दिया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और क्या मिल रहा है हमें, ए बी सी में ए बी मिल रही है, ए बी लिख लिया, और इस ट्राइंगल में ए डी मिल रही है हमें, ए डी ई लिया गया है, तो ए डी मिल गई, ए डी हो गया, ये भी क्या है, दिया है, ठीक। और क्या हमें एक चीज फाइंड करनी है, अब ए बी सी में तो ये एंगल हमें मिल रहा है पूरा, और इसमें ए डी सी में तो ये एंगल मिल रहा है हमें, लेकिन हमें तो सिर्फ दिया गया है ये एंगल, तो ये भी गिवन है, नोट कर लेते हैं। क्या एंगल गिवन है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये हमें दिया गया है। तो बच्चों क्या करते हैं, या तो पहले पूरा लिख सकते थे लेकिन लिखा नहीं, ये चीज़ हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, ये एंगल तो ये एंगल लिख लिया, लेकिन हमें चाहिए पूरा इतना एंगल, ए डी ई लिया तो एंगल पूरा हमारा क्या है ये, और अगर इधर वाला बी ए सी लिया तो ये हमें पूरा एंगल चाहिए। तो बीच का ये कॉमन एंगल बच रहा है, ये दोनों चीज़ों दोनों को आवश्यकता है, उस ट्राइंगल को भी और इसको भी। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को दोनों साइडों में प्लस कर देंगे। तो एंगल कौन सा प्लस करेंगे, डी ए सी दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, तो एंगल क्या हो जाएगा, बी ए डी प्लस एंगल
ए, पहले लिखेंगे डी ए सी इक्वल टू यही लिख देंगे एंगल ई ए सी प्लस क्या कर देंगे एंगल डी ए सी, दोनों साइडों में क्या किया एंगल डी ए सी जोड़ दिया। तो यहाँ पे लिख लो दोनों पक्षों में कोण डी ए सी जोड़ने पर, ये चीज तो हमें दी थी, दिए था ये, हमने अपने आप दोनों का साइडों में जोड़ दिया, दोनों को आवश्यकता है तो ये दोनों के पूरक हो गए, उसको भी दे दिया, इसको ये कैंसिल आउट करोगे तो वही फिर से आ जाएगा। अब बी ए डी, ये जो है बी ए डी और डी ए सी, इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं बी ए सी लिख सकते हैं, इस एंगल को बी ए डी, देखिए बच्चों बी ए डी ये और डी ए सी ये पूरा एंगल, ये प्लस करके ये, तो पूरे क्या लिख सकते हो बी ए सी लिख सकते हो, तो इसको लिख देंगे एंगल बी ए सी। ठीक, अब इसी तरह ई ए सी एंगल है प्लस डी ए सी, तो इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं डी ए ई लिख सकते हैं, तो एंगल डी ए ई, तो ये चीज़ें इक्वल हो गई। तो हमें तीन चीज़ें मिलनी थी, तीनों मिल गई बच्चों। तो ये हमारा ट्राइंगल क्या हुआ कॉन्ग्रेंट हो गया, पहले कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर लिए हम लोगों ने, त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रेंट तो हो गया किसके ए डी ई के, ट्राइंगल ए डी ई ये क्या हुए हमारे ट्राइंगल तो कॉन्ग्रेंट हो गए किससे एंगल साइड एंगल साइड से, दो एंगल साइड सेम है एक एंगल, तो यहाँ लिख लीजिए बाई बाई साइड एंगल साइड रूल से। अब हम कह सकते हैं कि जो बी सी है वो डी के इक्वल होगा किससे सी पी सी टी से, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी ई किससे हो जाएगा सी पी सी टी से बाई सी पी सी टी। ये क्वेश्चन बच्चों हमारा 6 कंप्लीट हुआ, अगर ये कट हो रहा हो तो साइड में लिख लीजिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, अगर दिक्कत हो तो साइड में कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर ये चीज़ बी सी और डी ई सी पी सी टी से आप अगर दिख ना रहा हो तो उसे आप लिख सकते हो यहाँ सी पी सी टी, क्योंकि जब ए बी सी और ए ई डी हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो बी सी जो होगी वो डी ई क्या होंगी इक्वल होंगी सी पी सी टी से। ये बच्चों याद रखिएगा कि दोनों साइडों में एंगल डी ए सी जोड़ देंगे, क्योंकि हमें ये तो गिवन था, ये बचा था तो इसको दोनों साइडों में जोड़ दिया और ट्राइंगल क्या हो गया हमारा कॉन्ग्रेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुँचती रहे। थैंक यू, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।